मनीष कुमार गुप्ता ने सभासद पद के लिए तहसील में नामांकन पत्र किया दाखिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। जनसेवक मनीष कुमार गुप्ता ने सभासद पद के लिए तहसील में नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्नाव जनपद के नगर पंचायत पूर्वा के वार्ड नंबर 13 आंशिक पीर जादीगिरी पश्चिम टोला बेगमगंज से सभासद पद हेतु समाज सेवी मनीष कुमार गुप्ता ने आज तहसील कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। जनसेवक मनीष गुप्ता ने कहा कि अगर वार्ड की जनता मुझे चुनती है तो मैं अपने वार्ड का चहुमुखी विकास करूंगा और प्रधानमंत्री आवास, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बीपीएल कार्ड, साफ सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट एवं नाना प्रकार की योजनाएं और जो भी वार्ड के अंतर्गत काम आते हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कराया जाएगा। नामांकन दाखिल करने में राम कुमार गुप्ता, राजेश चौधरी, आदेश तिवारी, आजाद सुजीत धानुक, सनी साहू, नितिन साहू, हिमांशु गुप्ता, महागुरु अतुल शुक्ला, अनिकेत गुप्ता, विवेक साहू, अंशु गुप्ता, अवनीश सोनकर, करण धानुक, विशाल कुमार, नीरज सोनी, सुजात हुसैन, प्रशांत दीक्षित आदि लोग उपस्थित रहे। जनमंच खबर के लिए उन्नाव से प्रभारी रिंकी सोनकर की रिपोर्ट। आज मैंने नगर पंचायत पूर्वा से वार्ड नंबर 13 पश्चिम टोला आंशिक प्रजादीगढ़ी और बेगमगंज से सभासद पद हेतु नामांकन कराया है। स्थिति में मुझे लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए और मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने मोहल्ले के वार्ड के लिए, वार्ड के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए और चाहे मोहल्ले में साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन दिलाना हो, चाहे विधवाओं को विधवा पेंशन दिलाना हो, ऐसी तमाम योजनाएं, नाना प्रकार की योजनाएं अपने वार्ड की जनता को देने के लिए मैं इस चुनाव मैदान में आया हूं और मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, परंतु आज मैं लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के काम कराने के लिए, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर एक सुख दुख में रहने के लिए इस चुनाव में आया हूँ।